नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सारी सियासी पार्टियां पंजाब की सरकार को घेरने लगी हैं। आज भाजपा की तरफ से बटाला के गांधी चौक में चक्का जाम कर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कैप्टन ने हाथ में जो गुटखा पकड़ कर कसम ली थी वो कसम पूरी करें। इस रोष प्रदर्शन के चलते बटाला के जिला अध्यक्ष राकेश भाटिया ने कहा कि जहरीली शराब से जो पंजाब के 3 जिलों में मौतें हुई हैं उनको लेकर सरकार ने जो जांच कमेटियां बिठा दी हैं, ऐसी कमेटियां पहले भी बिठाई जा चुकी हैं जिसका कोई भी नतीजा सामने निकलकर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनने से पहले गुटखा साहिब को हाथ में पकड़कर कसम खाई थी कि 4 हफ्तों में नशा को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन 4 सालों में भी नशा खत्म होने की बजाय और बढ़ गया है, जिसका नतीजा ये है कि नशे के तस्कर लोगों को जहर दे रहे हैं और मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार से मांग की है कि जहरीली शराब के मामले में केवल छोटे शराब तस्करों के ऊपर कार्यवाही ना की जाए बल्कि इसमें शामिल राजनीतिक लोगों के ऊपर भी बनती कार्यवाही की जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। अज का जो ये प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी वालों किया गया, ये प्रदर्शन पिछले दिनों जो जहरीली शराब पी के बटाला च अमृतसर च तरन तारण च पूरे पंजाब दे विच जिहड़े नौजवानों ने अपनी जिंदगी तो हाथ धोले धोले उहदे वास्ते प्रदर्शन किया गया पंजाब सरकार नूं जगाउण वास्ते, क्योंकि अज तो 3.5 साल पहला कैप्टन साहब ने गुटखा साहब हाथ च फड़ के सहुं खाधी सी कि वी मैनूं मेरी सरकार बनाओ, मैं 2 हफ्तिआं च नशे का खात्मा कर देंगा। मैं वो कैप्टन साहब नूं पुछना चाहना अपने मानयोग मीडिया राहीं, अपने मानयोग पत्रकार भरावां राहीं कि कैप्टन साहब तुसीं उह धार्मिक ग्रंथ श्री गुटखा साहब उन्होंने हाथ फड़ के सौंख खाधी सी, वो सौंख कितने गई, वो तुहाडा धर्म कितने गया? 3.5 साल च तुसीं नशा नहीं खत्म कर सके और अज एक घटना होंदी आ और सैकड़िया लोग अपनी जिंदगी तो हाथ धो पैंदे ने। मैं दसना चाहना कि कुछ अफसरां नूं सस्पेंड करके थोड़ी बहुत कार्रवाई करके कुछ वेचण वालियां नूं फड़ के ये चाहते ने जनता दी अखां च धूल झोंकना, जनता सैटिस्फाई हो जाए और कहे कि वाकई सरकार ने कुछ किया। मैं ये जवाब च कहना चाहना कि घटना कली बटाले च नहीं हुई, ये तर्क दे के गल करदा कि घटना कली बटाले च नहीं हुई, अमृतसर तरन तारण पंजाब के अलग अलग इलाकों च हुई है और उ 2-3 दिनों के हुई है। यदा मतलब यह है कि लाट भी उही सी शराब का जहरीली का, मगर सौदागर भी उही सी जिहड़े परदेश स्तर ते इनू बना के पूरे पंजाब सप्लाई करते हैं, पूरे पंजाब के नौजवानों की जिंदगी पूरे पंजाब के घरों बर्बाद करते हैं। ये मगर कोई छोटा मोटा कोई तस्कर नहीं है, बहुत व्डे तस्कर जोड़े ने प्रदेश लैवल दे लगे देने और उन्होंने नाल सरकार और प्रशासन, क्योंकि सरकार तो बिना इदा का काम नहीं होता। मैं ये चेतावनी देना चाहना कैप्टन साहब न कि कैप्टन साहब जे अपने धर्म के इन्ने पक्के हो अडिगो ते अपनी नैतिकता का आधार दे उत्ते 3.5 साल बाद ही तुसीं अपनी सौं नूं पूरी नहीं कर सके, तुहानूं सत्ता छड्ड देनी चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए।